फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया टू अमेरिका। आज मैंने बनाया है बहुत ही टेस्टी यम्मी और सबका फेवरेट केक। ये है पाइनएप्पल केक। जिस तरीके से इसे बनाया जाता है तो इसे पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक भी कहते हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। मैंने लिया है एक बाउल। बाउल में मैं ऐड करूंगी मेल्टेड बटर। बटर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर। मैंने लिया है ब्राउन शुगर। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं। अब शुगर ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जब ये मिक्स हो जाए तो मैं इसे बेकिंग पैन में ले लूँगी। ये लिया है मैंने बेकिंग पैन। अगर आपके पास राउंड बेकिंग पैन नहीं है, कोई इशू नहीं, आप स्क्वायर वाला भी ले सकते हैं। ये देखिए, मैं इस पे इसे ले रही हूँ बेकिंग पैन में और मैं इसे इवनली स्प्रेड कर लूँगी पूरे पैन में इस प्रकार से। जब ये पूरे पैन में स्प्रेड हो जाए इवनली, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पाइनएप्पल जो मैंने चॉप कर लिया था। अब देखिए, आपको इस प्रकार से, इस तरीके से आपको पाइनएप्पल को चॉप कर लेना है और इसे पैन में रख, बेकिंग पैन में रख लेना है। यकीन मानिए, बहुत ही डिलीशियस बना था ये पाइनएप्पल केक। चलिए अब बनाते हैं बैटर। मैंने लिया एक बाउल। बाउल में ऐड कर रही हूँ 3/4 कप ऑफ ऑयल। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3/4 कप ऑफ शुगर। मैंने यहाँ पे वाइट शुगर लिया है। शुगर ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक बार अच्छे से शुगर मेल्ट हो जाए या अच्छे से मिक्स हो जाए ऑयल में, मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एग। यहाँ पे मैं एग यूज़ कर रही हूँ केक बनाने के लिए। अगर आपके पास एग नहीं है, अगर आप एग नहीं खा रहे हो, अगर आपको एगलेस केक बनाना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने विदाउट एग केक बनाया था जो बहुत ही टेस्टी बना था। तो आप वो वीडियो देख के ये केक का बैटर बना सकते हो। अब मैंने दो एग लिया है यहाँ पे। दोनों एग लेने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्स हो जाए तो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी मल्टीपर्पज फ्लोर, जिसे मैदा कहते हैं, मैदा ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पे 1 कप ऑफ मैदा लिया है, आप देख सकते हैं। मैदा ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं पूरा वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई, पूरे बैटर का वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, जहाँ पे मैंने वेनिला एसेंस, मिल्क और बेकिंग पाउडर डाला था। तो आपको रेफरेंस लेना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं। ये देखिए, मेरा बैटर रेडी हो चुका है। अब मैं ये बैटर को ले लूँगी पैन में, बेकिंग पैन में, जहाँ पे मैंने पाइनएप्पल के स्लाइसेस ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो मैं उसके अंदर बैटर निकाल लूंगी। ये देखिए, अब मैं बैटर को ले रही हूँ पैन में जो ऑलरेडी मैंने तैयार करके रख लिया है। स्लोली पूरे पैन में आप बैटर को स्प्रेड कर दीजिए इस प्रकार। ये देखिए, मैं इवनली पूरे पैन में स्प्रेड कर रही हूँ बैटर को। ये मेरा बैटर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे रखूँगी ओवन में, और मैंने ओवन में रखा था 360 डिग्री सेल्सियस पे करीबन 30 मिनट्स कर रखा था। ये कितनी अच्छे से हमारा केक बेक हो रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब, केक एकदम रेडी हो चुका है। कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रखी थी मैं इसे। अब मैं नाइफ की मदद से साइड से केक को निकाल लूँगी। केक तो बहुत ही स्पॉन्जी बना है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही स्पॉन्जी बना है। तो सेम तरीके से मैंने प्रीवियस केक भी बनाया था, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब मैं एक प्लेट लूँगी, प्लेट के बेकिंग पैन के ऊपर रख के
बेकिंग पैन को पलट दूंगी। अब देखिए मैं पैन को धीरे धीरे उठाऊंगी। अभी केक हमारा बहुत ही टेस्टी बना है, अब देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है वाटरमेलन, मैं एक पाइनएप्पल के बीच में रख दूंगी थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के लिए। अब देख सकते हैं बहुत ही प्यारा दिख रहा है, मेरा केक एकदम रेडी है। आप भी बनाइए अपने घर पे और कमेंट करके बताइए कैसा बना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल इंडिया टू अमेरिका को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, बाय।